लक्ष्मी नारायण मंदिर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण को रोकने के मामले में प्रशासन मशीनरी मंदिर प्रबंधन के आगे बौनी साबित हुई है। एसडीएम शिवानी गर्ग ने पिछले दिनों इस निर्माण को नाजायज ठहराते हुए निर्माण पर ब्रेक लगा दिया था। मौके से राजस्व विभाग की टीम ने रॉ मटेरियल को भी जब्त कर लिया था, लेकिन ताज्जुब की बात है कि यह दुकानों का निर्माण का कार्य एक बार फिर शुरू हो गया। आखिर रोक लगने के बाद भी मंदिर प्रबंधन ने किस आधार पर यह निर्माण दोबारा शुरू किया, इसका जवाब प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया है। इधर इस मामले में अब प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मंदिर के अंतिम उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले श्यामपुरी महाराज ने इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की जेबें गर्म किए जाने का आरोप भी चस्पा किया है। मंदिर से जुड़े सूत्रों की माने तो बेशकीमती जगह होने से मंदिर प्रबंधन एक दुकान के तकरीबन 40 लाख रुपए तक ले रहा है। इस तरह से दुकानों के निर्माण में मंदिर प्रबंधन करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करने की फिराक में लगा है। यही वजह है कि प्रशासन की रोक के बाद भी यहाँ पिलर निर्माण सहित अन्य दूसरे निर्माण भी बेधड़क शुरू किए गए हैं। मौके पर एक बार फिर से निर्माण सामग्री डलवा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन की तरफ से इस मामले में आखिर सुगबुगाहट क्यों नजर नहीं आ रही। एफपीएम में तो उसके बाद फिर चालू हो गया कार्यक्रम, जैसे कि ये दिखता है विकास शासन प्रशासन भी दिख चुका है इनके हाथों में, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो बना रहा है दुकानें बेच बेच के। आप कौन है? मैं यहाँ के जो संस्थापक थे मदनपुरी महाराज, मैं उनका एक वारिस हूँ। उत्तराधिकारी केवल मैं ही बचा हूँ, दूसरा कोई नहीं।